हम लोग केक बना रहे हैं। ये देखिए, ये मिक्सर से केक निकल रहा है और ये देखिए पीछे थोड़ा साउंड है मिक्सर का, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए केक निकल गया है। अब ये जाएगा कन्वेयर के थ्रू ट्रिपल रोल में, और ट्रिपल रोल के बाद जाएगा प्लॉटर में, फिर जाएगा ये कटिंग टेबल से कटेगा और ये पैकिंग मशीन में पैक होगा। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आगे कैसा प्रोसेस रहा है। ये केक की फैक्ट्री है। ये मटेरियल अभी ट्रिपल रोल से निकल रहा है, ये मिक्सर से कन्वेयर में आया, कन्वेयर से देखिए ट्रिपल रोल में जा रहा है। थोड़ा नॉइज़ है, इसको अवॉइड करिएगा बिकॉज मशीन चल रही है। ये है ट्रिपल रोल मशीन, देखिए माल को बहुत बढ़िया तरीके से पीस देती है, क्वालिटी को अच्छा कर देती है। अब इसके बाद ये प्लॉटर में जाएगा। ये है प्लॉटर, ये डबल बैरल प्लॉटर है और इससे जल्दी फास्ट और अच्छा माल निकलता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो ये केक बन रहा है ये भी बहुत अच्छा बन रहा है। अब ये धीरे धीरे करके माल को अंदर मिक्स करके आगे धकेल देगा और सामने जो बैरल है इससे माल बाहर आएगा। ये देखिए केक निकलना शुरू हो गया है और ये अभी आगे डाई नहीं लगी है, अभी डाई लगाई जाएगी तो ये और अच्छा निकलेगा, अभी डाई के हिसाब से निकलेगा। अभी तो सिर्फ एक लोग टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्योंकि क्या होता है कि जब केक निकल रहा होता है तो उसको गर्म करना ज़रूरी होता है प्लॉटर को, तो अभी प्लॉटर हीट हो रहा है, हीट होने के बाद ये अच्छी भट्टी को फेंकेगा। अभी देखिए डाई बांधी जाएगी, उसके बाद फिर से निकाला जाएगा तो बहुत बढ़िया बाहर निकलेगा। देखिए ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डाई लगा दी है और ये देखिए बाहर निकलना शुरू हो गया है। अभी शुरुआत में थोड़े एडजस्टमेंट्स होते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। अभी जो बाहर निकल रहा है वो उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन अभी ये धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वालिटी चेक हो रही है, ये भट्टी को पूरा मोड़ दिया जाता है। अगर ये मोड़ने पे नहीं क्रैक करती है तो इसका मतलब ये क्वालिटी अच्छी है। तो इसको ऐसे देखिए मोड़ के टेस्ट किया जा रहा है भट्टी को, और ये देखिए अभी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। ये जो भट्टी है ये अभी देखिए निकाली जा रही है, इसके बाद ये लोग इकट्ठा करके उसको, ये कटिंग टेबल है इस टेबल पे रखेंगे इस तरीके से, और ये आगे इससे कट के निकलेंगी छोटे छोटे पीसेस में। इसकी डाई अभी सेट की जा रही है कटिंग टेबल की। ये देखिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, तो एक एक बंदे का काम नहीं है, इसमें कम से कम 4-5 लोग चाहिए अलग अलग लेवल्स पे। देखिए डिटर्जेंट केक निकलने के बाद इसको कटने के बाद ये पैकिंग मशीन है, इसमें देखिए रोल सेट कर दिया गया है और इसके बाद इससे ये पैकिंग होगी और ये फिर कट के पाउचेस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है डिटर्जेंट केक बनने का। कोई भी माल वेस्टेज नहीं होता है, अगर मान लीजिए साइड से कट भी जाएगा तो देखिए इधर ये डब्बे रख दिए गए हैं, इन ट्रेज में ये कलेक्ट कर दिया जाएगा और फिर से ये रीप्रोसेस हो जाएगा। रीप्रोसेस में मतलब प्लॉटर में डाल दिया जाएगा, तो कुछ भी वेस्टेज नहीं होता है इसमें। ये कटिंग टेबल ऑन कर दी गई है, अब इसमें से देखिए ये बाहर आगे कट के आ रहे हैं शेप्स में, और जो भी वेस्टेज है वो साइड्स में डाल दिए जाते हैं, और जो परफेक्ट बार्स होते हैं जो बिल्कुल शेप में होते हैं सिर्फ उन्हीं को रखा जाता है। ये देखिए ये परफेक्ट बार है, ये बिल्कुल शेप में है, तो इसको देखिए इन्होंने रख दिया यहाँ पे, और जो वेस्टेज थी साइड की देखिए वो रीप्रोसेस हो जाएगा। ये तो जो भी बार निकलेंगे बहुत परफेक्ट निकलेंगे, अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे, और इसमें काफ़ी अच्छी फोमिंग क्लीनिंग और इसमें गलन भी कम होगी। ये देखिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ बार है, और इसमें जैसे जैसे प्लांट चलता जाएगा और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी बनती जाएगी, क्योंकि मिक्सर गर्म होता जाता है, प्लॉटर गर्म होता जाता है तो और अच्छी क्वालिटी निकालता रहता है। तो अभी देखिए जैसे कि प्लॉटर में जितनी गर्माहट आ रही है उसके वजह से और इसमें अच्छा आएगा। तो ये देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि डिटर्जेंट केक कैसे बन रहा है। देखिए आप अगर ये मशीन्स भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ हमारे यहाँ से सारी मशीन्स मिल जाएंगी। ये कटिंग टेबल है, प्लॉटर होता है, ट्रिपल रोल है और मिक्सर है, किसी भी साइज़ किसी भी शेप का मिल जाएगा, और ये पैकिंग मशीन है ये भी मिल जाएगा। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। इसका पूरा प्रोसेस कैसे बनता है या बना बनाया केक भी लेना चाहते हैं तो भी हमारे यहाँ से हो जाएगा। हम आपके नाम से आपके ब्रांड से भी केक बना सकते हैं, हमारे यहाँ पे फैसिलिटी है, पर डे हम लोग यहाँ पे 4-5 टन आराम से केक बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं केक के लिए। और देखिए क्या है कि जब ये चीज़ें
सिस्टम में आ जाती हैं। आप भी इसको अच्छे से बेचेंगे तो आपको काफ़ी मुनाफा मिलेगा। ये डेली बिकने वाला आइटम है, तो हमसे कॉन्टैक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। आगे मैं आपको देखिए दिखाऊंगा प्रोसेस कि कैसे आगे पैक करते हैं। जो ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन डिटर्जेंट केक की, ये देखिए एक एक बट्टी यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे रो में जा रही है। और आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पे रोल लगा हुआ है पूरा, और एक एक देखिए बट्टी यहाँ से जाएगी रोल तक, फिर रोल से सील होके या आगे बढ़ के ये कट होके उधर से फाइनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। अभी स्लो स्पीड में मैंने मशीन चलवाई है क्योंकि इसको हमको देखना है प्रोसेस कैसे होता है। अभी देखिए यहाँ से रोल पे ये लिपट रही है और ये पूरा आगे जाके आप देखेंगे कि ये रोल बनते हुए और आगे ये सीलर है, सीलर पे पैक हो जाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट सील होके बट्टी आ गई है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। ये ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है, प्लस आप ये पूरा प्लांट है देखिए केक बनाने का। ये है आपकी कटिंग टेबल, ये पैकिंग मशीन है, और ये है आप ये देखिए प्लॉडर है। दोनों तरीके के प्लॉडर हैं, ये है ड्यूप्लेक्स प्लॉडर, इसमें वैक्यूम पंप होता है। ये है सिंप्लेक्स प्लॉडर, डबल बैरल का है। ये है आपके ट्रिपल रोल पिलर के पीछे, इससे माल और हल्का और बढ़िया बनता है। आप देखेंगे कि ये जो भी इसमें जो चीज़ नहीं पीसी होती है मिक्सर से, वो उसको पीस के और फाइन कर देता है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और ये देखिए ऊपर मिक्सर है, ये लगभग 800-900 किलो तक माल बना सकता है। तो ये पूरा कन्वेयर से देखिए ऑपरेटेड है और ये ऑटोमाइज पूरा प्लांट है। तो आपको ये केक बन के पूरा मिल जाएगा।